तनु अपने कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ जाके? अच्छा लग रहा है, तो मंदिर के अंदर चले अपने चले। हमारे उत्तर राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध देवी, जिन्होंने अकबर, राय सिंह, गंगा सिंह जैसे राजाओं को चमत्कार दिखाया, बहुत ही अजब गजब की महिमा हमारी भद्रकाली माता की। घग्गर नदी के किनारे बहुत ही भव्य दरबार माता जी का लगा हुआ है। माता जी की बहुत ही विशेष प्रकार की जानी अनजानी बातें हैं, और सारी की सारी बातें इसी मंदिर संस्था में रहने वाले पुजारी परिवार के सदस्य से मैं आपसे रूबरू करवाने वाला हूं। और मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और ये देवी किन चमत्कारों से जानी गई, और इस मंदिर का अस्तित्व इस जगह पर कैसे आया, और ये जगह कौन सी है, तमाम जानकारी आपको हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी पुरी, वो आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले राजेश पुरी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी, हमें ये जानकारी प्रदान करें कि जो ये मंदिर स्थापित हुआ, इसके पीछे क्या महिमा है और क्या ऐसी कहानी है, वो आप हमें संक्षिप्त हमारे दर्शकों को आप प्रदान करें। सभी से पहले मैं सभी जय माता जी, यहाँ सबसे प्राचीन घग्गर नदी के पास जो बादशाह साहब अकबर बादशाह टाइम, यहाँ पहले उनको पर्चा मिला हुआ है, लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर ऐतिहासिक है। यहाँ पहले बादशाह साहब यहाँ जंगल में आए, जब भयानक बहुत जंगल था, थे आपरली मारवाड़ी बोल दियो, बोले दर्शक राजस्थानी है अपना, प्योर अपना मारवाड़ी मान दियो, भयानक जंगल यहाँ पर था। जब बादशाह साहब ने यहाँ पर देखा तो टिब्बे पर एक बुढ़ी औरत दिखाई दी, तो बादशाह साहब ने देखा कि इतने भयानक जंगल में एक बुढ़ी औरत क्या कर रही है। तो बादशाह साहब यहाँ पर जाके देख उनके पास जाके पूछा कि माता, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, और मेरी सेना जो प्यासी है, इनके पानी की व्यवस्था चाहिए। तो माता ने बोला, आप यहाँ पर एक खड्डा खोदो, उसमें आपको पानी मिलेगा। तो बादशाह साहब जाके अपनी सेना को कहा, तो खड्डा खोदने के बाद उसमें पानी निकला। उस थोड़े से खड्डे के अंदर बादशाह साहब ने खुद पानी पिया, और जितनी सेना घोड़े रथ सब ने पानी पी कर बनाया। फिर बादशाह साहब ने पूछा,
हमें भूख लगी, हमारे खाने की व्यवस्था चाहिए जी। तो माता ने एक छोटी टोकरी दी, उस पर एक कपड़ा रखा था। तो माता ने कहा इस पर ये कपड़ा है, इसे हटाना मत, इसमें अंदर हाथ डालो और खाने को कुछ मिलेगा। तो बादशाह साहब ने उसमें देखा, हाथ मार कर, तो उसमें खाने का सामान था, उस रोटी पानी सब राजा साहब ने उस टोकरी में खाने की व्यवस्था हो गई। तो राजा साहब की जितनी सेना थी उन्हें भी भूख लगी थी जी। उनको खाने की व्यवस्था पूरी होने के बाद तो बादशाह साहब ने सोचा कोई चमत्कारी चीज़ है, तो माता मेरे लायक कुछ सेवा बताओ, और आप मेरे को ये बताओ आप क्या कौन सी थी यहाँ पर अकेले जंगल में फिर आप क्या हो। तो उसने ने बोला, माता ने कहा मैं एक भद्रकाली हूँ और मेरा यहाँ पर प्राचीन मंदिर बनाना है। तो राजा साहब ने कहा मैं विजय होके आऊँ युद्ध से, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराऊँगा, तो मेरा भद्रकाली का यहाँ मंदिर बनना चाहिए। जब राजा साहब ने कहा जरूर, अगर मैं विजय होके आ गया तो इस मंदिर का निर्माण कराऊँगा। जब बादशाह साहब अपने राय सिंह जी को ये बात के कही, यहाँ वहाँ एक प्राचीन जंगल है बहुत भयानक, वहाँ एक मेरे को ऐसा चमत्कार मिला, माँ भद्रकाली दिखी जिसने कहा कि मेरा वहाँ पर मंदिर बनाना है। जिस राय साहब ने ये मंदिर का निर्माण कराया, यहाँ भद्रकाली मंदिर बनवाया। उसके बाद यहाँ पहले नाथ जी सेवा करते थे जी। तो महाराजा गंगा सिंह जी को किसी ने यहाँ सूचना दी, बताया कि ये एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ बादशाह साहब को पहला पर्चा मिला है। तो राजा साहब ने कहा इस मंदिर का हमें भी दर्शन करने के लिए, तो महाराजा गंगा सिंह यहाँ पर आए, उन्हें भी इस भद्रकाली मंदिर का बारे में सुना और देखा ये चीज़। फिर राजा साहब ने यहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही है, मंदिर की जो चार दीवारी है ये फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने कराई। उसके बाद हमारे परदादा जी यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर लेके आए थे, वो पाँच में चौथी पीढ़ी हमारी खुद की चल रही है। आपके परदादा जी का क्या नाम था? लादूपुरी जी, करणपुरी जी दादा जी हमारे, उन्हें यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे बीकानेर से। उसने यहाँ पर मंदिर की जो देख रेख है उन पर ये सब पूजा पाठ फिर उनको सौंपी गई। यहाँ पर डेरा होता था नाथों का, वो अपने गांव पास में अमरप अतिथि थे, फिर यहाँ से वो चले गए। उसके बाद हमारे दादाजी को यहाँ पर सौंपा गया। उसके बाद हमारे पाँचवीं चौथी पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, उसकी पूजा पाठ हम पीढ़ी अनुसार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जानकारी राजेश जी ने प्रदान की। राजेश जी आपका इस बात के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही एक सराहनीय है, और ये जो उन्होंने कहानी बताई है शायद इस कहानी का कहीं पर लिखा हुआ प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इन्हीं के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ये जानकारी हमें प्रदान की जाती है। तो आप इस कहानी को जनश्रुति कह सकते हो, जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होता वो जनश्रुति होती है। इन्होंने जो बताई है वो अप्रोक्सीमेट की बात आती है, लगभग लगभग की बात आती है, मतलब इन्होंने एक जनश्रुति बताई है। जनता की मान्यता क्या है, इनके परिवार वाले क्या बताते हैं, जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इन्होंने अपने सरल शब्दों में बताया कि इस प्रारंभिक मंदिर का निर्माण अकबर बादशाह के कहने पर राय सिंह ने करवाया। राय सिंह बीकानेर के राजा हुआ करते थे, और ये हनुमानगढ़ जुका जो कस्बा था बीकानेर रियासत के अंतर्गत आया करता था। बराबर में यहाँ पर अमरपुरा थेड़ी के नाम से ग्राम है, और घग्गर नदी के किनारे बिल्कुल किनारे पर है। यहाँ से घग्गर नदी का तट बिल्कुल 50 मीटर दूर पर ही है। घग्गर नदी के किनारे ये भव्य मंदिर बना हुआ है, और इन्होंने अपने सरल शब्दों में बताया कि प्रारंभिक मंदिर बीकानेर के राजा राय सिंह ने बनवाया था, और बाद में हमारे जो राजा है गंगा सिंह जी ने आधुनिक स्वरूप इस मंदिर को प्रदान किया, और ये जो भव्य प्रतिमा जो आप देख रहे हो हमारे बराबर, इस प्रतिमा का निर्माण करवाया और मंदिर प्रांगण का निर्माण करवाया, बाहर की चार दीवारी का भी निर्माण करवाया। तो राजेश जी आपका बहुत बहुत आभार फिर से एक बार कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हमारे दर्शकों के भी दिल में कई बार ख्याल आता है, और उससे पहले मेरे भी आ जाता है कि इस मंदिर में जो मेले का उत्सव होता है वो किस किस टाइम होता है? यहाँ साल में लगभग दो बार मेला लग जाता है, एक तो चैत में और एक आशोस में। जैसा कि राजेश जी ने बताया, मेले अधिकतर चैत्र नवरात्रों में या अश्वन के नवरात्रों में लगता ही लगता है, और उन्हीं नवरात्रों के अंदर मेला यहाँ बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वार भी है जिस दिन यहाँ स्पेशल भक्तों का तांता लगा रहता है, खूब भक्त आते हैं। वो वार कौन सा है? रविवार।
मतलब कितना गजब का सेटलमेंट है। देखो लोगों ने, ये कोई लिखित नहीं है, ये लोगों ने खुद ने परंपरा बनाई कि संडे वैसे हमारा फ्री होता है और एज ए माता से मिलने, मान लो चाहे वो इंजॉय के रूप में मान लो, वो माता से मुलाकात करने के लिए किसी न किसी बहाने वो संडे को यहाँ पर पहुँच जाते हैं और संडे को हर शनिवार यहाँ पर वास्तव में मेले जैसा माहौल होता है, जिसका अनुभव मैंने खुद ने लिया है। राजेश जी, ये बात तो मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। अच्छा जी, इसके बाद में एक अनोखी परंपरा और है, वो सही है गलत है वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक अनोखी परंपरा है। वो परंपरा है, एक तो यहाँ पर आज भी शराब चढ़ती है माताजी के, और दूसरा यहाँ पर आज भी बलि दी जाती है। तो परंपरा क्या, राजेश जी आप इस बात को अधर्व्यम ना ले, क्या ये परंपरा आपको सही लगती है क्या, मतलब इसके ऊपर अपने थोड़ा विचार कर सकते हैं? ये तो जैसे अपने पुरानी परंपरा राजा महाराजा के टाइम की आ रही है, पहले यहाँ झोटो बलि दी जाती थी पड्डों की जी, उसके बाद राजा जी के लड़के, उसके बाद बकरा की ये बात चलाई, उसके बाद फिर ये पांडे की बलि बंद कराने के बाद फिर बकरों की बलि स्थापित की, उसके बाद बकरे मुर्गे शराब वगैरह ये चढ़ती है। वैसे राजेश जी एक बात है, मतलब इस बात को कोई भगतजन अन्यथा ना लें, क्योंकि मेरी भी कुल देवी है भद्रकाली माता, मतलब जीव बलि, मतलब इस पे सरकार लगातार रोक लगा रही है अलग अलग मंदिरों में, क्या आपका भी ऐसा ही प्रयास है, क्या इस बदली पे रोक लगनी चाहिए इसके प्रति आप, क्योंकि आपका पद एक सराहनीय पद रहा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे, आप मेरे अजीज मित्र भी हो और मैं आपको बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ और आप मेरे को जानते हो, आप कॉलेज के अंदर NMPG में अध्यक्ष पद पर भी रहे हो और आपने अच्छा कार्य भी किया है, तो आप एक शिक्षित पुजारी श्रेणी में आते हो, तो मैं आपसे छोटा सा एक विचार रखना चाहूँगा, क्या आपका ख्याल क्या है, क्या ये जो बलि परंपरा है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि माताजी स्वयं, मुझे विश्वास है, मैं माताजी के चरणों में ये बात बोल रहा हूँ कि माताजी मुझे आप पे स्वयं विश्वास है कि माताजी भक्तों से जैसे खुश करना चाहिए वैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं कभी आज तक मंदिर में जब भी आया हूँ मैं 10 रुपये का प्रसाद लेके आता हूँ, मेरे से तो उसी खुश होती है, इसके प्रति आपका क्या विचार है? ये जब अपने 2005 या 6 में यहाँ जब देवस्थान विभाग में ये मंदिर आया जी, जब देवस्थान विभाग में सेंटर में होने के बाद यहाँ एक रोक टोक की थी बकरों की बलि के द्वारा, और उस बाद यहाँ एक अपने ये बरंडा है, लगभग भगत सभी अंदर थे और अचानक ऐसा चमत्कार हुआ, ये बरंडा नीचे गिर गया हाँ, अपने आप। तो उसके बाद अपने फिर बात की थी बलि के बारे में, सरकार को भी कहा था कि आप ये बकरा शराब वगैरह ये बंद करा लो, इसलिए भयानक इस क्यों परंपरा आ रही है और आप एकदम ऐसे रोक टोक, थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिर सरकार ने ये बात मानी कि अपने 9 दिन नवरात्रि आते हैं, उसमें अपने 9 दिन बेसुनो प्रसाद लाओ करें, ये 9 दिन नवरात्रि में हमारे शराब बकरे सब बंदर बंद होते हैं, और बाकी दिन शराब वगैरह जो भगत आते हैं लेके वो बलि भी दी जाती है, बनाते भी हैं सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए राजेश जी, जैसे यहाँ भगत लोग आते हैं माता को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जैसे जीव का मांस होता है वो डायरेक्ट चढ़ाते हैं यहाँ पर आगे, जैसे मान लो जो चढ़ा दिया जाता है तो उसका उसके बाद में क्या किया जाता है उसका? यहाँ तो जैसे अपने कोई भेंट या किसी की बोली होती है शराब बकरी, तो वो अंदर लाने के बाद मंजूर करा के सब बाहर ले जाते हैं, भाई अपने खा पी के, मतलब आपके पास रखने का कोई सिस्टम नहीं है, आप उसी प्रसाद को या मान लो उसी बलि को आप वापस दे देते हो कि आप जैसा है करना है वो आप करोगे, मतलब आप किस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हो, मतलब आप भोग लगाने का सिर्फ महत्व रखते हो। तो राजेश जी आपकी बात हमें बहुत ही प्रभावी लगी और आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब और बहुत ही अच्छे से दिया, तो सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराई से आभार करता हूँ कि आपने दर्शकों को पूर्ण जानकारी प्रदान की और मेरा भी आपने महत्व रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप कोई हमारे दर्शकों से, हमारे इतने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, इनसे आप कोई संदेश देना चाहते हो या इस मंदिर को लेकर या कोई भी समाज में संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अभी तो ये लॉकडाउन में यही कहना चाहता हूँ, जो घर पर है उतने भी सुरक्षित है और अपने परिवार बच्चों का ध्यान रखें, लॉकडाउन में कोरोना महामारी के बचाव में परिवार का ये
तो राजेश जी, ये भी एक चर्चा का विषय रहता है, जब भी यहाँ नदी में पानी आता है तो मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि आप इधर दिखाएं, ये जो भी आपको यहाँ कृषिक एरिया नज़र आ रहा है पूरा अभी तैयार किया गया, ट्रैक्टर से तैयार किया गया है। इसे तैयार इसलिए किया गया, लोग यहाँ, ये लोगों की ज़मीनें हैं, यहाँ पर खेती की गई है। और आप इस तरफ देखोगे, तो ये पूरा नदी का आगे का बाव क्षेत्र है और इस साइड में नदी आगे की तरफ जा रही है, हनुमानगढ़ नगर की तरफ ये नदी आगे जा रही है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो नदी का बहाव एरिया है, नदी का पेटा है, खूब पानी इसके अंदर आ जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु में पानी आता है ना, तो दोस्तों नदी का पानी बाहर निकल जाता है, यहाँ तक कि ये पुल जो है, ये पुल तो भी आप सरकार से अपने कोई गुजारिश करना चाहे तो किस प्रकार की गुजारिश रखोगे भी इस पुल को लेकर? तो यहाँ कोई गंभीर स्थिति भी होती है जब मेला भरता है तो? यहाँ पर अपने ये मिंदर के जो पास लगभग 500 किमी की दूरी में जो बिल्कुल पास है, ये पुल है, नहर है, गगन नदी जो ऐतिहासिक, ये गगन नदी है, बहुत ऐतिहासिक में ये लिखी हुई है जी। और ये अपने साल में जो नाले की जो बहाव पानी आता है, जब हमारे यहाँ नाले के अंदर जिस की ज़मीनें हैं वो पानी है, उसमें फसलें भी कोई दिक्कत खराबी हो जाती है। और सबसे दिक्कत बड़ी है पानी पुल की, ये जो पानी है जो लगभग पुल से 2-2.5 फुट ऊपर चलता है जी, जिससे क्या किसी भक्त को या किसी जी खेत जिम्मेदार को, किसान को समस्या उठानी पड़ती है, फिर दूर घूम के जंक्शन होके आना पड़ता है उनको, फिर ये बिल्कुल ये वाला काम हो जाता है इतनी सी दूरी के लिए। मतलब ये ज़्यादा नहीं तो 150 मीटर लंबा पुल होगा इस पुल के लिए, ज़्यादा नहीं तो 25-30 किलोमीटर का एक चक्कर लगाना पड़ता है, ये चीज़ है क्या? यस, जिसमें क्या है इस पानी का बहाव बहुत तेज होता है, पहले भी बहुत सारे हादसे भी हुए हैं इस चीज़ में। और मैं तो सरकार से ये थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान इस पुल पर भी दिया जाए, क्योंकि किसान आज इतनी थोड़ी सी छोटे सी जगह के लिए इतने परेशानी होकर घूम के आना पड़ता है, तो थोड़ा भीड़ बढ़ा के मेले में भी दिक्कत होती है, छोटे नवरात्रों में जब नाली आ जाती है तो फिर लोग वहाँ से खड़ के कुरेसक वाला होता है कि ये पानी के अंदर स्लप की दिक्कत रहती है, कहीं अंदर ना गिर जाए, क्यों आज से पहले बहुत सारे हो चुके हैं। सरकार से ये भी गौर भी तो करती है, थोड़ा व्यस्त स्टॉप हो जाता है, रास्ता रुका देती है, आने जाने की व्यवस्था रुका देती हैं, जिससे किसान को बहुत परेशानी हो जाती है। तो मेरी तो यही गुजारिश है इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा इसे देखा जाए, यहाँ जो किसान की इतनी समस्या घूम के आना पड़ता है 15 किलोमीटर दूर जाके, इस आधा किलोमीटर की जगह से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये दिक्कत किसान को ना हो। देखो राजेश जी ने अपने एक पीड़ा व्यक्त की है, ये पीड़ा राजेश जी की नहीं है, यहाँ के किसानों की भी पीड़ा है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भी पीड़ा है और आने वाले भक्तों की भी ये पीड़ा है। राजेश जी ने उस पीड़ा को अपने रूप में उसको बयां किया है और बताया है कि एक गंभीर पीड़ा है। तो हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे, देवस्थान विभाग से गुजारिश करेंगे कि आप अपने समितीय तौर पर, कमेटीय तौर पर आप जैसे तैसे ध्यान इस तरफ भी ज़रूर दें। और नदी के बहाव पेटे से ये 2.5 से 3 फीट पुल नीचे रह जाता है, इसके कारण यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, जब यहाँ नदी में प्रवाह आता है तो इसमें कई रिस्की लोग होते हैं, जैसे कि मंदिर में आने के लिए आते हैं, वो इधर से प्रयास करते हैं कि इसको हम पार कर जाएं, और जैसे ही वो पार करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो साथ में या तो बाहे बह जाते हैं साथ में, या कोई बुरा साथ में नुकसान हो जाता है। तो ऐसे हादसे भविष्य में न हो, इसी की गुजारिश राजेश पुरी जी आप सबसे कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ। तो ये था दो आज का हमारा टूर और आज की हमारी यात्रा, जिसमें भद्रकाली मंदिर के दर्शन किए और एक छोटी सी पीड़ा को भी हमने देखा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप हमें फॉलो करते रहे और हम आपको राजस्थान के अजीबो गरीब जगह पर घुमाते रहेंगे, विजिट करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाढ़ के दिनों में कुछ इस प्रकार के हालात भद्रकाली मंदिर के पास यहाँ पर नज़र आते हैं। और ये जो आप हालात देख रहे हो ये कुछ सामान्य हैं, गंभीर स्थिति से सामान्य आप इसको देख रहे हो, इससे भी खतरनाक सीन यहाँ पर होते हैं। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हो पुल के ऊपर, ये भी पानी में पूरे डूब जाते हैं, ऐसी स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है बरसात के दिनों में, तो मामला काफ़ी रिस्की हो जाता है।